भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का विरोध स्वरूप बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने पुतला चलाया। इंदौर बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कटारा ने बताया कि लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक आंदोलन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध एक अत्यंत अमर्यादित आपत्तिजनक और असंवैधानिक टिप्पणी की है। भारत के राष्ट्रपति पद को राष्ट्रपति संबोधित कर उन्होंने न सिर्फ महिलाओं की गरिमा और साथ ही में आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई बल्कि भारत के समूचे जनजातीय समाज का भी घोर अपमान किया है। ऐसे विरोध के चलते अधीर रंजन चौधरी का पुतला जलाया गया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष के नाम चौधरी की सदस्यता समाप्त करने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने जनजाति समाज की और भारत की राष्ट्रपति परम आदरणीय दीदी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति जी की जगह राष्ट्रपत्नी कहके संबोधित किया है। यह अमर्यादित टिप्पणी है और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा इंदौर महानगर के द्वारा इस कृत्य के लिए अधीर रंजन चौधरी का पुतला दहन किया गया है और जनजाति समाज में बहुत आक्रोश है और इन्होंने आज़ादी के बाद से जनजाति समाज का एक पहली बार कोई गरीब परिवार की महिला राष्ट्रपति बनी है, तो कांग्रेस पार्टी इस बात को पचा नहीं पा रही है। उसी के विरोध में हम लोगों ने अधीर रंजन चौधरी जी का पुतला दहन किया है और हम लोग ज्ञापन देना है। इस प्रकार की कार्रवाई भी कानूनी कार्रवाई को लेकर भी आप लोग बिल्कुल, हमने लोकसभा अध्यक्ष जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस प्रकार के सांसद कांग्रेस के जिनकी संकीर्ण मानसिकता है उनको बर्खास्त किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी आवश्यक कार्रवाई हो वो की जाए। मैं राकेश कटारा हूँ, जनजाति मोर्चा इंदौर महानगर का अध्यक्ष हूँ भाजपा।